हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कैरमल पुडिंग। डिश तो वही है, लेकिन बनाते हैं इसे थोड़ा सा हटके, मतलब विद अ डिफरेंस। इसे बनाने के लिए हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वही अपने मिल्क, एग, शुगर, और साथ में हम लेयरिंग करेंगे कॉफ़ी पाउडर और कोको पाउडर से। तो शुरुआत करते हैं कैरमल बना के। इसके लिए लेंगे हम एक राउंड मोल्ड, अप्रॉक्सीमेटली जिसका डायमीटर 6 इंच हो। इसे इसके बेस को हम ग्रीस करेंगे घी या बटर के साथ, और इसमें ऐड करेंगे शुगर। अब शुगर को हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि कैरमल इवनली फैल जाए। इसमें हम डालेंगे फिर थोड़ा सा पानी और इसे हम गैस में रख देंगे। अब इसमें शुगर पिघलने लगेगी और इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा। इस कैरमल को हमें लाइट रखना है और इसे इस स्टेज पे बंद करना है, बिकॉज कैरमल बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। इसे स्प्रेड करेंगे बेस में और हम अपनी तैयारी करेंगे। अंडे लेंगे, शुगर, सब चीजें हैंडी रखने से ये फटाफट बन जाएगा। कोको पाउडर और जो कॉफी और मिल्क थोड़ा सा वार्म करेंगे। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में अंडे तोड़ेंगे। इसमें हमने 5 अंडे लिए हैं और ये लेयरिंग के लिए जरूरी है। इसे हम विस्क करेंगे अच्छी तरह से। सब अंडे मिक्स हो जाने चाहिए और फिर इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर को भी तब तक विस्क करना है तब तक ये अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अब इसमें स्लोली मिल्क ऐड करेंगे। ये मिल्क वार्म, जैसे मैंने बोला था, होना चाहिए। ज़्यादा गर्म हुआ तो इसमें अंडे कर्ड हो जाएंगे। बस सारा दूध धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और विस्क करते जाएंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब दो अलग अलग बाउल्स लेकर इस मिक्सर के हम 3 समान हिस्से, मतलब इक्वल पोर्शन बनाएंगे। जो पहला प्लेन पोर्शन है उसे हम अपने मोल्ड में, जिसमें हमने कैरमल बनाए हैं, डाल देंगे और इसे एक स्टीमर में रख के इसमें ऊपर से एक ढक्कन लगा के इसे स्टीम करेंगे। ये कवर करना बहुत ही जरूरी है। इसे 20 मिनट के लिए स्टीम करना है और इसे निकाल लेना है। अब इसके ऊपर हम कॉफ़ी का लेयर डालेंगे, जिसके लिए हमने ली है कॉफ़ी। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसे हमारे जो हमने बाउल में 3 इक्वल पोर्शंस किया था उसमें एक पोर्शन में ऐड कर देंगे। अब इस पोर्शन को हमारे जो स्टीम्ड पोर्शन है, जो स्टीम हमने किया है, उसके ऊपर हम धीरे धीरे पोर कर देंगे। दोबारा इसको कवर करेंगे और 20 मिनट के लिए और एक बार स्टीम कर लेंगे। अब इसे थर्ड पोर्शन तब तक हम तैयार करते हैं। इसमें हमें कोको मिलाना है और इसे हल्के से विस्क करना है ताकि ये कोको मिक्सचर भी तैयार हो जाए। तो ये हमारा तीसरा लेयर हो गया। अब इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने स्टीम करके निकाला है। तो 2 लेयर हमारी तैयार है। अब ये तीसरा लेयर हमने डाल दिया, दोबारा कवर किया और 20 मिनट स्टीम किया। तो हमारा टोटल स्टीम टाइम इसका लगभग 1 घंटा है। और इसे आप स्ट्रेन करना ना भूले, नहीं तो इसमें वो छोटे छोटे एग के पीसेस आके जो इसका टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तैयार है हमारा कैरमल पुडिंग। देखिए लेयर्स दिख रहे हैं कितने सुंदर 3। आपको ये रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।